नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला एंड आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्लास दोस्तों स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए होगी। आप लोग ध्यान से क्लास को देखिए और क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन राइट निकले। सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है सूर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइएगा कौन सूर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए भास्कर, ऑप्शन नंबर बी मयंक, ऑप्शन नंबर सी दिवाकर या ऑप्शन नंबर डी सबता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मयंक। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि दोस्तों मयंक ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा भास्कर, दिवाकर, सबता, ये सभी सूर के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दो के लिए आंसर करिए। आपको बताना है राजपुत्र में कौन सा समास है। बताइएगा राजपुत्र में कौन सा समास है, ए बाबरी, बी द्विगु, सी तत्पुरुष या डी कर्मधारय। आपको बताना है राजपुत्र में कौन सा समास है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर दो के लिए आंसर करिए, आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तत्पुरुष। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, राजपुत्र में तत्पुरुष समास है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर दो का। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका राइट आंसर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन के लिए। आपको बताना है मंदिर का पर्यायवाची शब्द है। बताइएगा निम्न में से कौन मंदिर का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों ये सभी हिंदी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से क्लास को देखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, देवग्रह। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, मंदिर का पर्यायवाची शब्द है देवग्रह, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर के लिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। बताइएगा सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए रोशनी में अंधकार होना, ऑप्शन नंबर बी किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, ऑप्शन नंबर सी प्रभाव स्थापित करना या ऑप्शन नंबर डी सम्मान बढ़ाना। आपको बताना है सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए आंसर करिएगा, गुड। पहले आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ होता है किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है सशक का पर्यायवाची शब्द है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और बताइएगा सशक का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए खरगोश, ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा, ऑप्शन नंबर सी शिशु या ऑप्शन नंबर डी मृग। आपको बताना है सशक का पर्यायवाची शब्द है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, खरगोश। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, सशक का पर्यायवाची शब्द खरगोश होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए। आपको बताना है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स है, भौगोलिक किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइएगा भौगोलिक किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए आंसर करिएगा, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, इस प्रकार से भौगोलिक सही लिखा जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आप लोग जल्दी आंसर देने की कोशिश करिएगा। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए।
ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए उसके बाद आंसर करिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, मनोज का PCS में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। अब आपको बताना है इस वाक्य में गढ़ जीत जाने का अर्थ क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए युद्ध जीत जाना, ऑप्शन नंबर बी कब्जा कर लेना, ऑप्शन नंबर सी अनुभव प्राप्त करना, या ऑप्शन नंबर डी कठिन कार्य पूरा होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, मनोज का PCS में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत जाने का अर्थ क्या होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिएगा। जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। डेली आपकी क्लास होती है, सभी लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कठिन कार्य पूरा होना। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इस वाक्य में गढ़ जीत जाने का अर्थ होगा दोस्तों कठिन कार्य पूरा होना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको बताना है पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है। बताइएगा पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। ऑप्शंस दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए उसके बाद आंसर करिएगा। आपके एग्जाम में हिंदी के इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ इसमें ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से क्लास को देखिएगा और क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पर्यायवाची। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे GK में भी पूछा जाता है और हिंदी में भी पूछा जाता है। आपको बताना है प्रेमवाट का किसकी काव्यकृति है। बताइएगा प्रेमवाट का किसकी काव्यकृति है। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से आप लोग ऑप्शन पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रसखान। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। प्रेमवाट का रसखान की काव्यकृति है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस को आप लोग ध्यान से पढ़िए और बताइएगा निम्न में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। ए आंगन, बी मुश्किल, सी 25, या डी ईर्ष्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आंगन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, क्योंकि दोस्तों आंगन इस प्रकार से लिखा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। बाकी दोस्तों मुश्किल, 25, ईर्ष्या ये सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। देखिए इसका आंसर सभी लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा गया है, तो आप लोग इसका आंसर क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर क्लास खत्म होने के बाद दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है जो शास्त्र जानता है वह कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जानकार, ऑप्शन नंबर बी शास्त्रज्ञ, ऑप्शन नंबर सी विद्वान, या ऑप्शन नंबर डी शास्त्र ज्ञाता। आपको बताना है जो शास्त्र जानता है वह कहलाता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शास्त्रज्ञ। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जो शास्त्र जानता है उसे शास्त्रज्ञ कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है शोक किस रस का स्थायी भाव है। बताइएगा शोक किस रस का स्थायी भाव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिएगा, गुड। क्वेश्चन है दोस्तों, शोक किस रस का स्थायी भाव है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, करोड़ रस का। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों शोक करोड़ रस का स्थायी भाव है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, शोक करोड़ रस का स्थायी भाव है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, स्फूर्ति शब्द का तत्पर रूप क्या होगा। आपको बताना है स्फूर्ति इस शब्द का तत्पर रूप क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए, गुड। क्वेश्चन है स्फूर्ति शब्द का तत्पर रूप क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फुर्ती।
यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। स्फूर्ति शब्द का तत्पर्य फूर्ति होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। गुड, बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है जगदीश में कौन सी संधि है, बताइएगा जगदीश में कौन सी संधि है। ए व्यंजन संधि, बी स्वर संधि, सी विसर्ग संधि, या डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है जगदीश में कौन सी संधि है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, व्यंजन संधि। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। जगदीश में व्यंजन संधि है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिएगा। अब आपको बताना है, पहली बात तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आप लोग बताइएगा आंत प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है। ये चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए लगान, ऑप्शन नंबर बी आना, ऑप्शन नंबर सी आन वान, या ऑप्शन नंबर डी आनंद। अब बताइएगा इनमें से कौन सा शब्द आंत प्रत्यय से बनने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिएगा। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लगान। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। लगान आंत प्रत्यय से बनने वाला शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, आवाज़ उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, बताइएगा आवाज़ उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए क्रोध करना, ऑप्शन नंबर बी चीखना, ऑप्शन नंबर सी जोर से बोलना, या ऑप्शन नंबर डी क्रोध करना। आपको बताना है आवाज़ उठाना काफ़ी फेमस मुहावरा है, अब बताइएगा इसका सही अर्थ क्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, विरोध करना। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। आवाज़ उठाना मुहावरे का सही अर्थ विरोध करना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है तकदीर शब्द है, बताइएगा तकदीर किस भाषा का शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिएगा, बताइएगा तकदीर किस भाषा का शब्द है। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अरबी भाषा का। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। अरबी का भाषा का शब्द है तकदीर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। क्वेश्चन है दोस्तों, वकील किस भाषा का शब्द है, बताइएगा वकील किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए फारसी भाषा का, ऑप्शन नंबर बी अरबी भाषा का, ऑप्शन नंबर सी तुर्की, या ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए, बताइएगा वकील किस भाषा का शब्द है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अरबी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, वकील अरबी भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है आधी रात का समय क्या कहलाता है, बताइएगा आधी रात का समय क्या कहलाता है। सभी लोग आंसर करिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, निशीत। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। आधी रात का समय निशीत कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने हिंदी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। देखिए आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इनमें से कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।